नमस्कार दोस्तों, मेरी अमी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं व्रत वाली शाही पनीर की सब्जी बनाना शेयर करती हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, फटाफट तैयार हो जाएगा। आइए चलिए बनाते हैं। एक बाउल हमने पनीर ले लिया है, जो बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लिया है। दो बड़ा टमाटर हमने पीस के तैयार कर लिया है। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ले लिया है, ये ऑप्शनल है, केवल गरम मसाला पाउडर से भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा मलाई वाला अच्छा सा दही ले लिया है। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून अदरक कूट के लिया है, थोड़ा सा घी लिया है जिसमें हम सब्जी बनाएंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप करके लिया है, 1 मिर्ची चॉप करके लिया है, थोड़ा सा हल्दी लिया है और स्वादानुसार सेंधा नमक लिया है, धनिया पाउडर 2 टीस्पून लिया है और मिर्ची भी स्वादानुसार लेना है। इस तरह से सारे सामान हमने ले लिए हैं। अब इससे फटाफट शाही पनीर बनाना शेयर करते हैं। कढ़ाई में घी डालते हैं, फ्लेम को मीडियम रखा है हमने, हाई या मीडियम रख सकते हैं, और उसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं। व्रत के लिए है इसलिए हम इसे घी में बनाना शेयर कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। और गरम मसाला जो हमारे पास साबुत था, जीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, ये सब था, जो इसमें ऐड कर देते हैं, वो हल्का ब्राउन हो जाता है। उसके बाद हम टमाटर की क्यूरी को ऐड करते हैं और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाते हैं। बाकी मसाला इसके बाद हम ऐड करेंगे, हल्का सा इसे भून लेते हैं, हल्का सा तेल बाहर आ जाए जब तक भून लेते हैं, फिर अदरक को ऐड कर देते हैं। अदरक हमने पीस के तैयार नहीं किया था, कूट के ही डाला है। और 1 चॉप किया हुआ मिर्ची है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे ऐड कर दे जाते हैं। और मिर्ची पाउडर भी हमने ऐड कर दिया। अब देखिए इसका कलर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, लाल सा कलर आ जाएगा मिर्ची पाउडर की वजह से। तो देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भूनने से लग गया है। अब जो हमारा क्रीमी दही है उसे ऐड कर देते हैं। आप किसी भी तरह का दही ऐड कर सकते हैं, या तो आप सीधे क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास ताज़ा मलाई हो या फिर अमूल का क्रीम हो, उसे भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिए ताकि इसका ग्रेवी अच्छा तैयार हो और अच्छा सा टेस्ट बन के तैयार हो सब्जी। तो देखिए हमारा मसाला इस तरह से भून रहा है। अब थोड़ा सा और हम इसे भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें अब पनीर को ऐड कर देते हैं। पनीर हम बिना फ्राई किए हुए ही डाल रहे हैं, सिंपल पनीर। अब थोड़ा सा हम पनीर के साथ इसे पकाते हैं तो क्या है, हमारा पनीर में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा मसाले के साथ भूनने से। तो देखिए ये हमारा पनीर भून रहा है और मसाला भी भून रहे हैं साथ साथ में, तेल बाहर आने लग गया है, जो घी हमने डाला था वो बाहर आने लग गया। अब गरम मसाला पाउडर हम इसमें ऐड कर देते हैं और जितना ग्रेवी रखना हो उस हिसाब से पानी ऐड कर देते हैं। तो हमें इतना ही ग्रेवी रखना था तो हम इतना पानी ऐड किए हैं 1 कटोरी के हिसाब से, और जो सेंधा नमक था स्वादानुसार उसे ऐड कर देते हैं। अब ये पूरी तरह से हमारा पनीर का सब्जी करीब तैयार हो गया। अब इसे ढक ढक के लो फ्लेम पे पकाते हैं। लो फ्लेम पे पकाने से हमारा सब्जी बहुत ही बढ़िया टेस्टी तैयार होगा, मसाला अच्छा तैयार होगा और तेल एकदम बाहर आ जाएंगे और सब्जी का कलर परफेक्ट आएगा। अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करते हैं, हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, मस्त और बहुत ही टेस्टी। डियर फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।